यूट्यूबर मनीष कश्यप, जिसे बिहार के मजदूरों पर तमिलनाडु में हमला किया जा रहा है, इस पर फेक वीडियोस फैलाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। अब इस पर कौमी सलामती एक्ट NSA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मदुराई क्राइम ब्रांच पुलिस ने कश्यप के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और एक खसूसी पुलिस टीम ने इसे बिहार से गिरफ्तार किया था। मदुराई के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस शिवा प्रसाद के मुताबिक मनीष कश्यप, जिसने तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले किए जाने के फर्जी वीडियोस को वायरल किया था, NSA एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया है। कश्यप को 15 दिन के लिए अदालती हिरासत में भेजने का हुक्म दिया गया, जिसके बाद इसे मदुराई सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। कश्यप के अलावा तमिलनाडु में मजदूरों पर हमले की फेक वीडियोस फैलाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मनीष कश्यप पे जो NSA स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया है ऑन द एलिगेशन कि इनके जो वीडियोस हैं वो फेक हैं और पब्लिक ऑर्डर और मेंटेनेंस के अगेंस्ट प्रेजुडिशियल है और सिक्योरिटी टू द स्टेट को खतरा है। अब NSA तो लग गया है इनके ऊपर। अब इनके ऊपर जो मल्टीपल FIRs जो फाइल हुए हैं अलग अलग जगह पे, तो उनके पास एक ऑप्शन ये है कि या तो ये सुप्रीम कोर्ट जाएं और सारे FIRs को एक जगह क्लब करवाएं और एक जगह इनको कंटेस्ट करें, या फिर FIR जितने हैं सबको ये क्वैश करवाएं। अदरवाइज इनको ट्रायल और एविडेंस में ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो चार्जेस लगे गलत है। ऑन द अदर हैंड, अगर स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ द डे, अगर ये प्रूफ करती है कि इनका इंटेंशन और मोटिव था पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी के अगेंस्ट और ख़तरा था, तब इनके लिए मुश्किलें बहुत बढ़ सकती हैं।